हेलो फ्रेंड्स, मैं सिबनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट एडजस्टमेंट ऑर्डर को लेकर है, और ये अपने आप में काफी बड़ा और यूनिक एडजस्टमेंट है। इस बार एडजस्टमेंट ऑर्डर में यहाँ पर जो है इस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर ये जजमेंट ऑर्डर पास किया गया है, उसका एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पर मैंशन किया गया है, उसमें कुछ यूनिक पॉइंट्स भी है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। अपने रिप्लाई में यहाँ पर आपको मेंशन करना है टाइप के नोटिस के रिप्लाईज के लिए वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नोटिस आए या फिर कोई भी ऑर्डर पास हो उसके अगेंस्ट में जो भी रेमेडीज अवेलेबल है जीएसटी एक्ट में, उसको आपको टाइम लिमिट के अंदर ही अवेल करना है। इस वीडियो में यहाँ पर जो है ये लेटेस्ट ऑर्डर पास हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी की जेन्युइन आर्टिस्ट को समझते हुए यहाँ पर ऑर्डर पास किया है। इसी टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर ये नाम नोट कर सकते हैं। इस नाम से यहाँ पर आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वीडियोज अवेलेबल है उसमें हर टाइप के वीडियोज हैं, नोट्स के रिप्लाई में क्या क्या अटैचमेंट्स होंगे, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, अपील कैसे ड्राफ्ट करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिए गए हैं, वहां से आप फॉर्मेट भी डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी यहाँ वाले इस वाले एजमेंट ऑर्डर में जो है एसएससी जेन्युइन आर्टिस्ट को समझा गया है, ये जो ऑर्डर पास हुआ था डिमांड ऑर्डर जो यहाँ पर मार्च में पास किया गया था 14 मार्च 2024, उसके रिगार्डिंग जो नोटिस है वो दिसंबर में आया था। डिमांड प्रपोज की गई थी अप्रोक्सीमेटली 22.83 लाख की थी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है ये 23 लाख रुपए का डिमांड ऑर्डर है। अगेंस्ट द पेटिशन हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, और उसके बाद जो है डिमांड भी यहाँ पर निकाल दिए, डिमांड में पेनल्टी भी इंक्लूड है, सेक्शन 73 में जो है ऑर्डर पास किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर पेटिशन काउंसिल उन्होंने अपने सबमिशन यहाँ पर सबमिट किया, उन्होंने कहा देखिए सबसे बड़ी बात आती है, अब यहाँ पर ये जो व्यू एडिशनल नोटिस वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर अलग अदर ऑनरेबल कोर्ट्स में जा रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर काफी सारे जजमेंट से देखे थे, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट है तो वो भी यहाँ पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पर ये चीजें ली जा रही थी, ये जो फैसिलिटी है यहाँ पर चेंज कर दी गई थी जीएसटी पोर्टल पर। तो यहाँ पर एसएससी जो है ये प्रूफ करने में यहाँ पर सक्सेसफुल रहे, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीडिंग्स थे उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी अकॉर्डिंगली, इसलिए वो जो है इसका रेस्पॉन्ड नहीं कर पाए। समझ दैट द सैड सो गोज नोटिस अपलोडेड ऑन द कैटेगरी ऑफ एडिशनल नोटिस, उन्होंने कहा कि जो नोटिस है ये नॉर्मल नोटिस के अंडर में नहीं है, एडिशनल नोटिस के अंडर में आया है, एंड वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द पेटिशनर थ्रू एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर कहा गया है कि किसी अदर मोड से हमें यहाँ पर नोटिस नहीं मिला है, केवल जीएसटी पोर्टल पर इसको अपलोड किया गया है। ये फर्दर समझ दैट द इट वाज मेरेली अपलोडेड ऑन द वेब पोर्टल अंडर टैब एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर एंड अकॉर्डिंगली पेटिशन वाज अवेयर, और पेटिशन ने कह दिया कि वो इस बात से अवेयर थे, जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करके स्पेशली जाकर उनको चेक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप रिटर्न के लिए जाते हैं तो अलग टैब है, ऐसा नहीं है फ्रंट में आपको सब चीजें दिख जाए या फ्रंट में आपको नोटिस रिफ्लेक्ट हो जाए। रेफरेंस में बी हैड टू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया इस वाले जजमेंट ऑर्डर में भी सेम इसी तरह की कंटेंशन ऐसे ने लिखी थी, उन्होंने कहा था कि जो नोटिस है उसका प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, और ये जो नोटिस है ये नॉर्मल टैब में यहाँ पर अपलोड नहीं की गई है, व्यू नोटिस में यहाँ पर एडिशनल नोटिस टैब वाले में चले गए, इसलिए यहाँ पर जो है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी डिपार्टमेंट को कि ये सेपरेट हेड्स हैं और इसके बारे में जो है कोई जानकारी स्पेशली प्रोवाइड नहीं की गई है एसएससी को, यूजर सर्विस में जाके व्यू एडिशनल नोटिस हेड के अंडर में देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एसएससी की कोई भी मिस्टेक नहीं है और इसलिए रिमांड बैक किया गया था। ये एज और यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसमें भी इसी तरह का कंटेंशन था कि जो ऑर्डर है वो यहाँ पर जो है वो अपलोड किए गए हैं अलग तरीके से और उसको जो है डिपार्टमेंट ने मैनुअल तरीके से भी कम्युनिकेशन नहीं किया है, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता है, फिर पोर्टल पर जाकर वहां पर यूजर सर्विस के अंडर में व्यू नोटिस ऑर्डर में जाकर चेक करना होता है। तो ये एसएससी की जिम्मेदारी नहीं है कि बार बार जो है वो ये चीजें चेक करते रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑर्डर पास आ जाता है तो उस केस में जो है ऑर्डर पास होने केस में काफी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, इसका जो कम्युनिकेशन है वो ईमेल पर भी किया जाता है। ठीक है, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, फिर आप अपने रिप्लाई को टाइम लिमिट के अंदर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर तो एसएससी ने रिप्लाई सबमिट नहीं किया था फिर भी उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल गई, तो यहाँ पर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट के 3 जजमेंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर जो है इसको वहां से लिंक करने के लिए कहा गया है कि आप भी जो है यहाँ पर ये रिलैक्सेशन एसएससी को प्रोवाइड करें और यहाँ पर केस को रिमांड बैक करें इन व्यू ऑफ द वो इम्पंज ऑर्डर इज सर्टिफाइड, इसीलिए यहाँ पर जो अदर ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट थे उनको भी कंसिडर किया गया है और ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको यहाँ पर पॉइंट आउट करते हुए इसको सेट असाइड कर दिया कि रीजन ये है कि इम्पंज ऑर्डर जो है पेटिशनर को उसके बारे में जानकारी नहीं थी और उसका रिप्लाई सबमिट नहीं हुआ, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वाले पॉइंट के बेस पर इनको रिट पिटिशन अलाउ हो गई है। अब ये सो कॉल्ड नोटिस अगेंस्ट पे रिप्लाई करेंगे।
रिप्लाई है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने जीएसटी पोर्टल को ओपन करने के लिए डायरेक्शन दिए, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया कि वो जीएसटी पोर्टल को रीओपन करेंगे ताकि ऐसे अपने रिप्लाई को सबमिट कर सके। 4 वीक्स का यहाँ पर टाइम दे दिया गया, उसके बाद वे रिप्लाई सबमिट कर देंगे, प्रॉपर ऑफिसर प्रोसेस को रीएजुकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। पर्सनल हियरिंग के लिए इनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इस बार प्रेस स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा एज पर लॉ सेक्शन 75 सेक्शन 3 में जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उसको भी फॉलो किया जाएगा। तो लेटेस्ट एजमेंट ऑर्डर, इस वाले वीडियो को आपको शेयर भी करना है और जो वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है आप उनको देख सकते हैं, आपको 100% कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए उसको सब्सक्राइब करें, आना करें, वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।